कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई साल पहले सोमेंद्र सिंह नाम का एक राजा था, अनंत नाम का एक मंत्री था। वो मंत्री बहुत ही समझदार था और हर बात में जो होता है अच्छे के लिए होता है कहता रहता था। ये उसका तकिया कलाम था। राजा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन राजा महल में घूम रहे थे, तभी अचानक उनके पैर पर दरवाजे की चौखट गिर पड़ी और पैर का अंगूठा कट गया। इस पर मंत्री ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर आग बगुला हो गया और मंत्री को जेल में डलवा दिया। मंत्री ने जेल जाते समय भी यही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक शाम राजा शिकार करने जंगल गया। लौटते समय वो रास्ता भटक गया। इतने में कुछ आदमखोर वहाँ आए और राजा को पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि राजा का अंगूठा नहीं है, उन्होंने राजा को छोड़ दिया, क्योंकि बलि के लिए पूरा शरीर होना जरूरी होता है। राज्य पहुँचते ही राजा ने जेल से मंत्री को निकाला और कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और जेल में डाल दिया, पर आपने जो कहा सच हुआ। मेरे पैर का अंगूठा नहीं होने के कारण ही मैं आज जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, आपने जेल जाते समय भी यही कहा था, क्यों? मंत्री ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, आप शिकार पर जाते तो मैं आपके साथ जरूर जाता। आपके साथ मुझे भी बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा नहीं है, मेरे तो सारे अंग ठीक हैं। मेरी बलि जरूर चढ़ जाती। आपने मुझे जेल में डाला, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। मेरे साथ अच्छा हुआ। राजा ने मंत्री की प्रशंसा की और उनका पद उन्हें वापस दे दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी विषय पर आप दिल से मानोगे तो कभी न कभी वो सच होगा और दिखाई भी देगा। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।